अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आहोर विधानसभा क्षेत्र 120 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ से नेशनल हाईवे 325 ए एवं स्टेट हाईवे जोधपुर संभाग के लिए बने हुए हैं। इन हाईवे रोड पर आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अस्पताल में सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ पर जनहानि भी हुई है। और सीएससी में ट्रॉमा सेंटर एवं आईसीयू सेंटर नहीं है, जिससे मेरी आंखों के सामने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दुर्घटना के दौरान कई मौतें हो चुकी है। इसका एकमात्र कारण है कि सीएससी में आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर नहीं होना। इसलिए संवेदनशील एवं पारदर्शी सरकार इसको ध्यान में रखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आहोर में आईसीयू व ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत करावे। इसी प्रकार से भद्रायुन पीएससी, गुड़ा बलोतन पीएससी, हरजी पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करावे। इन पीएससी में ओपीडी भी बहुत ज़्यादा है। इनके आसपास कई प्रकार का कोई बड़ा चिकित्सालय भी नहीं है। यदि इन भद्रायुन, गुड़ा बलोतन, हरजी में सीएससी स्वीकृत हो जाए तो जनता आपको आशीर्वाद देगी। इसी प्रकार आहोर विधानसभा के पावटा, उंगूण, शंखवाली, नौरवा में सब सेंटर को पीएससी में क्रमोन्नत करावे व इन गांवों के पास जो ग्राम पंचायत हैं, कस्बे हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं है। इनके अड़ोस पड़ोस में छोटे छोटे गांव व ढाणियाँ हैं जिनके पास साधनों की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे कई बार गर्भावस्था में कई बहनों की जानें भी चली जाती हैं। अतः मेरा आपसे इस संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार से निवेदन है कि इस समय जब पूरा देश स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त कर रहा है, तो इन क्षेत्रों में भी चिकित्सालय की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त पीएससी, सीएससी, आईसीयू सेंटर खुलवाने की कृपा करावे। मदन प्रजापत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा के कार्य प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान